हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक और 3 दिन पहले मैंने एक पोल किया था यूट्यूब कम्युनिटी के लिए कि मैं एक टैटू वर्कशॉप रखने की सोच रहा हूँ और कितने लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। और मैंने ऑप्शंस दी थी कि आप इंटरेस्टेड हो 1 दिन की वर्कशॉप के लिए या 2 दिन की लाइव वर्कशॉप प्लस मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट 84-90% ऑफ द पीपल suggested that they want a 2-day workshop, so here it is. Finally, we are having a 2-day workshop in my studio. So, मेरे studio में 2 floor हैं, जो ground floor है वहाँ पे tattooing होती है और जो 1st floor है वहाँ पे training होती थी, but हमने corona के बाद हमने training को बिल्कुल shut down कर दिया था and probably next month से we are again trying to open it up. So, yeah, we have time left. So, here's a tattoo workshop. It is a 2-day tattoo workshop. Now, I want to take a moment and explain you ki workshop ke andar actually hoga kya. Aapko kya benefit ho sakta hai. But firstly, ye workshop kiske liye hai? So, this workshop is for everyone. But the more experience you have, for example, in basic shading, the more you can get out from this workshop. Because in this workshop, we will be talking about digital designing. So, designing ke andar iPad mein design kaise karte hain? Agar aapko iPad nahi lena, to aap kaun sa tablet le sakte ho? बिना टैबलेट के डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है और कस्टम डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करते हैं और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कैसे फुलफ़िल करना है। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट नीडल्स, इक्विपमेंट एंड स्टेंसिल। सो नीडल्स की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, बकपिन क्या होता है, नॉर्मल नीडल्स क्या होती हैं। इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल द थ्योरी एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो पाया हम उतना ज़्यादा थ्योरी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इक्विपमेंट्स नेसेसरी होते हैं, कौन सी मशीन यूज़ करनी चाहिए, कौन सा स्ट्रोक यूज़ करना चाहिए, कितनी नीडल की डेप्थ को कितना डीप लेके जाना है स्किन के अंदर। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट वी विल टॉक अबाउट स्टेंसिल। स्टेंसिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट मैं iPad पे स्टेंसिल कैसे बनाता हूँ, मैं कंप्यूटर से स्टेंसिल कैसे बनाता हूँ और मैं हाथ से स्टेंसिल कैसे बनाता हूँ। सो एक ही डिज़ाइन को हम लोग 3 अलग तरीके से बनाएंगे, कंप्यूटर से, iPad से और फिर हाथ से, ताकि आपके पास अगर एक टूल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास iPad नहीं है, स्टिल यू शुड बी एबल टू गेट द सेम रिजल्ट इवन इफ यू डोंट हैव एन iPad। द नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज मार्केटिंग। नाउ आई फील इस वर्कशॉप का जो बेस्ट पार्ट होगा वो मार्केटिंग का एरिया होगा, बिकॉज मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। एंड इट इज़ अ मिथ दैट इफ़ यू आर अ गुड टैटू आर्टिस्ट वर्क विल कम टू यू। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। बट येस, इफ यू आर गुड एट मार्केटिंग, इफ यू आर गुड एट टॉकिंग एंड इफ यू आर गुड एट शोकेसिंग योर वर्क टू द वर्ल्ड बाय सोशल मीडिया और यूट्यूब और गूगल और योर वेबसाइट, देन यू विल रॉक। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स हैं मार्केटिंग के और आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे चलानी है, भले ही आप खुद चलाते हो या फिर आप किसी और को बोल के करवाओ, बट अगर आप मार्केटिंग करोगे तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए एज अ टैटू स्टूडियो बिजनेस। सो दिस ऑल विल बी कवर्ड इन day 1 एंड द नेक्स्ट डे वी विल हैव लाइव टैटूइंग। सो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना वर्क स्टेशन सेटअप कैसे करता हूँ, कौन सी नीडल्स यूज़ करता हूँ, इस टैटू में कौन सी यूज़ कर रहा हूँ और नॉर्मली बेसिकली मैं कौन सी नीडल कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम लोग टेबल का सेटअप करेंगे कि कैसे वर्क स्टेशन को सेट किया जाता है, स्किन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, स्टेंसिल कैसे लगाया जाता है, और उसके बाद लाइव टैटूइंग होगा ऑलमोस्ट 4-5 hours का। वील कीप द पोर्ट्रेट टू बी एटलीस्ट 4-5 hours बिकॉज सो इन दैट 4-5 hours यू विल लर्न हाउ आई डू स्मूथ शेडिंग, पेंडुलम मूवमेंट क्या होती है, कैसे कम लाइनिंग करके पोर्ट्रेट को बनाया जाता है, क्योंकि पोर्ट्रेट के अंदर बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, रादर कम लाइनिंग होनी चाहिए, और अगर स्किन के अंदर रेडनेस आ रही है तो उससे कैसे डील करना है। सो या, ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड एंड देन देयर विल कम द पार्ट ऑफ आफ्टर केयर। आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ लाइक जितना आपने एफर्ट डाला है टैटू को बनाने में, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट के लिए आफ्टर केयर को फॉलो करना। बट ज़्यादातर लोगों को आफ्टर केयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कई चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दी जा चुकी हैं कि कौन सी क्रीम लगानी है, क्या करना है, कैसे करना है। बट मेरे हिसाब से आफ्टर केयर बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है जिसको ईजिली अगर आप थ्योरेटिकली समझ जाओगे तो प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ईजी रहेगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टैटू में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, और अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है। एंड वन लास्ट बोनस स्टेप एट द एंड वुड बी फोटोग्राफी। काम आप कर लेते हो, क्लाइंट आफ्टर केयर फॉलो कर लेता है, बट उसकी पिक्चर्स लेना और उसको अपलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रोबेबली जो हम टैटू करेंगे हम उसी की पिक्चर्स लेने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से,
DSLR से भी और फ़ोन से भी, ताकि अगर किसी के पास DSLR नहीं है तो उसको पता होना चाहिए कि फ़ोन से कैसे लेनी है. एंड देन वी विल ट्राई टू एडिट इट आउट इन फोटोशॉप एंड ट्राई टू अपलोड इट ऑन सोशल मीडिया. सो आपको पूरा प्रोसेस जानने को मिलेगा एक टैटू का स्टार्टिंग से लेके एंड तक. वी हैव अ लिमिटेड स्पेस ऑफ 20 पीपल ओनली. इट इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम, अगर आप आना चाहते हो तो नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो. द प्राइस ऑफ द वर्कशॉप इज 3000. आई फील इट इज़ वेरी मच मिनिमल फॉर माई सब्सक्राइबर्स. आई रियली वॉन्टेड टू कीप इट वेरी लो. काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो हम लोग नहीं आ पाएंगे. सो यार, आई फील 3000 इज़ अ डिसेंट अमाउंट एंड आई कैन प्रोमिस यू दैट यू विल फेच अ लॉट फ्रॉम इट. टैटूइंग की स्किल्स तो इम्प्रूव होगी होगी, बट उसके साथ साथ आपका मार्केटिंग का और आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी चाहिए, क्लाइंट की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, आई विल ट्राई टू टीच दैट एज वेल. सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस सो अदर पीपल कैन ऑल्सो गेट टू नो. एंड ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग टू रिजर्व अ सीट, नीचे लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट सीट्स को रिजर्व कर लो. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.